हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की जो वीडियो है हमारी लैंडिंग पेज से रिलेटेड है और उसमें हम बैकग्राउंड बैनर सेक्शन ही कवर करेंगे, जिसमें हम पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे बैकग्राउंड इमेज और ओवरले के यूज़ करके आप बैनर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने दो बैनर ऑलरेडी बता दिए हैं जो कि आप सॉलिड और ग्रेडियंट कलर लगा के बना सकते हैं, और हमारा टू कॉलम लेआउट में आप कैसे बैनर बना सकते हैं वो दोनों कवर कर चुके हैं। और आज हम बताएंगे बैकग्राउंड इमेज का यूज। तो सबसे पहले अगर हम फोल्डर पे जाएं तो आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर वाले के फोल्डर को यहाँ पे कॉपी कर लिया है और उसका रीनेम कर दिया है बैकग्राउंड इमेज, जिससे हमारे सारे बैनर सेपरेट रहे। बाद में जब हमारा बैनर कंप्लीट हो जाएगा तो किसी एक को लेके हम आगे का वेबसाइट कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम आते हैं अगर HTML पे, तो HTML पे हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सारा हमारा सेट है। फिर हम आते हैं CSS पे, तो CSS पे भी हमारा सारा सेट है। पहले हम इसको प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा ये कुछ इस तरह से अभी आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड में हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए और ओवरले चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो बैकग्राउंड है यहाँ पे लगा होगा, हम पहले सबसे बैनर वाले CSS पे आ जाते हैं। तो ये हमें बैकग्राउंड कलर की जगह पे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो हम ये पहले हम हटा देते हैं यहाँ से, ये बैकग्राउंड हम हटा देते हैं। और अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए मैंने कोई एक इमेज डाउनलोड करी हुई है जो कि आपको दिखा देते हैं। और अगर आपको भी अच्छी अच्छी इमेजेस डाउनलोड करनी है तो आप मेरी इमेज वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी लिंक्स बताई हैं जहाँ से आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी HD क्वालिटी की। तो हमने ये कोई एक इमेज डाउनलोड करी है, हम आज उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल लिखा बैकग्राउंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिसमें आपको और क्लियरली विजिबल हो। तो बैकग्राउंड, अब हम कैसे देते हैं बैकग्राउंड, यू आर इमेज बैकग्राउंड, और हम लिखेंगे यहाँ पे URL। अब हम देंगे सिंगल कोट। अब हम पाथ देंगे यहाँ पे। अब हम पाथ कैसे देंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी जो HTML है वो यहाँ पे है, तो हमें यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारी इमेज यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, एक हम इमेज से बाहर आएंगे, फिर हम एसेट से बाहर आएंगे, देन हम आएंगे इस वाले फाइल पे। तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट हम इमेज से बाहर आ गए, डॉट डॉट हम असेट से बाहर आ गए। तो अब हम यहाँ पे नाम भी लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे असेट्स, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इमेजेस, फिर हमारा जो इमेज का पाथ है वो हम कैसे जाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने डबल डॉट लगाया, मतलब हम इसमें गए फिर इसमें गए, और यहाँ पे हमारी इमेज क्या है, यहाँ पे हमारी जो भी इमेज है बैकग्राउंड, फिर मैंने लिखा यहाँ पे JPG, जो भी हमारा फाइल का नाम है वो लिख देते हैं। तो अब देखते हैं हमारी इमेज आई है कि नहीं आई है, उसी को रिफ्रेश कर लेते हैं बार बार, ये हमारी आ गई। अब बट देख रहे हैं कैसी इमेज आ रही है, अजीब सी, क्योंकि हमने कोई भी इसमें बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी अभी नहीं लगाई है, तो वो हम अभी लगाएंगे यहाँ पे। तो पोजिशन रिलेटिव की कोई ज़रूरत अभी पड़ेगी तो उसको लगा रहने देते हैं, फिर हम बताएंगे क्यों। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देते हैं हम, ये मैंने बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दी। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, मतलब हमारी इमेज जो है बाद रिपीट ना हो, तो इसको हम कर देते हैं नो रिपीट। तो अब हमारी इमेज आ चुकी है, बट अब आप देख रहे हैं इसमें हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं है, इसको पहले तो हम कर लेते हैं कॉपी, इतनी ही कॉपी कर लेते हैं जितना मैंने इसमें लगाया है, और वही लाके यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट। अब हमारी इमेज क्या हो रहा है, कंटेंट विजिबल नहीं हो रहा है, तो कंटेंट विजिबल नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवरले लगाएंगे। तो आप बैकग्राउंड से डायरेक्ट भी ओवरले लगा सकते हैं और आप आफ्टर इफेक्ट से भी लगा सकते हैं। तो अब हमें आफ्टर इफेक्ट से लगाना है, तो वो हम बताएंगे आप कैसे बना सकते हैं। तो अब हम जाएंगे इंस्पेक्ट पे, और हमें किसके उस पर ओवरले लगाना है, किसके रिलेटिव लगाना है, हमें इस बैनर के रिलेटिव में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देते हैं। सबसे हम पहले क्या करेंगे, हमें जिसके भी रिलेटिव लगाना होता है तो उसको हम पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। ये मैंने पोजीशन रिलेटिव ऑलरेडी कर रखा है, इसीलिए मैंने नहीं हटाया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऐड रूल, और इसके हम कोलन, और हम यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर। अब यहाँ पे हम देते हैं पोजिशन एब्सोल्यूट, कंटेंट कुछ नहीं, बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लैक कलर, लेफ्ट 0, राइट 0, टॉप 0, बॉटम 0। ये देखिए पूरा ब्लैक हमारा कवर हो चुका है,
ठीक, हाइट 100% कर देते हैं, जिसमें वो हमारा जितनी इमेज हो उतना पे ही दिखे, और इसकी विड्थ हम 100% कर देते हैं। अब ये हमारा ओपेसिटी इसकी हमें करनी पड़ेगी कम, तो हम कर देते हैं 0.4, देखते हैं कितने पे सही दिख रहा है। तो उसका हम कलर भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो। तो ये मैंने यहाँ पे इसका कलर, इसको 0.5 अभी के लिए यही ओपेसिटी रखते हैं, ये मैंने कर दिया। इसको पहले तो हम वहां जाके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे किया मैंने इसका पेस्ट। अब देख रहे हैं कंटेंट क्या हो गया है, कंटेंट हमारा छिप गया है। क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर से ओपेसिटी उसकी लग गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है इस पे हम लगा देंगे जेड इंडेक्स, मतलब मैंने इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी, तो ये हमारा टॉप पे दिखने लगा। तो अब हम जाएंगे इसको हम फाइंड कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, यहाँ मैंने फाइंड किया। यहाँ पे हम इसका जेड इंडेक्स बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, बट अभी भी विजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है उसका हम ओपेसिटी और कम कर देंगे, उसका मतलब बढ़ा देंगे। अभी हम इसके आफ्टर पे जाते हैं, यहाँ से आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आफ्टर दिखेगा, जिससे कि आप इसका जो भी कम ज़्यादा करना चाहें, आप वैल्यू बढ़ाना चाहें, वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कलर चेंज वेंज करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक बार देखते हैं कि अगर हम इसमें येलो कलर रखते हैं तो कैसा लगेगा, जो कि नहीं अच्छा लग रहा है, और ब्लैक करते हैं तो कैसा लगेगा, और वाइट करते हैं तो कैसा लगेगा। वाइट भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे हमने जैसे वाइट कर दिया है, और वाइट अब हम इस पर जो हमारा कंटेंट है बट उसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, हम इसका कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम आते हैं और इसका मैंने 8 कर दिया है, और इसका कलर कोड भी चेंज किया है, तो वो हम कर देते हैं यहाँ पे चेंज। और अब हम क्या करेंगे, हेडिंग्स और फॉन्ट इन सब का कलर हम कर देंगे चेंज, जो कि हम इसका कलर जो है येलो में कर देते हैं, तो शायद हाईलाइट होगा बहुत ज़्यादा। ये हम पैराग्राफ और हेडिंग उसका कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया हेडिंग, और हमारा पैराग्राफ कहाँ गया है, यह है पैराग्राफ है, तो इसका भी हम कलर कर देते हैं चेंज। तो अब हम जाके उसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाइट कलर भी थोड़ा सा वो लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसका कलर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक प्लस हमारा कंटेंट जो है विजिबल होना चाहिए, तो बस हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो कंटेंट किस में विजिबल होता है हम वो चीज़ देखेंगे, और हम उसी हिसाब से उसमें जो भी एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट उसमें करेंगे। अगर हम देखें तो, और हम इस कंटेंट को वाइट करके यहाँ पे जैसे हमारा ये है, अगर ये है तो हम कंटेंट को ब्लैक भी रख सकते हैं, क्योंकि इस पर हमारा ब्लैक कंटेंट ज़्यादा विजिबल होगा। तो ये हम यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने कोई इससे डिज़ाइन सेट नहीं करी है, बस जस्ट आपको बस बताने के लिए सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो आप देखिए इस पे ये हमारा ये ब्लैक कलर विजिबल हो रहा है, तो हमें विजिबिलिटी का ध्यान रखना है कि हमारा कंटेंट सबको विजिबल होना चाहिए, तो बैकग्राउंड इमेज और प्लस ओवरले। तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से उसमें बैकग्राउंड इमेज जो भी लगानी है वो आप सेट कर सकते हैं। और तो अब ये काम करते हैं, हमारा जो लोडर की जीएस है उसको हम 0 सेकेंड कर देते हैं, जिससे कि वो हमारा, अब तो आपको फर्स्ट वीडियो में पता चल गया है, जिससे हमारा वो टाइम वेस्ट ना करे। तो अब हम इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो सीधा यही ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए ऐसे सीखते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।